Hey, Hare Krishna guys, Radhe Radhe, welcome to my channel. आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ मेरे इस YouTube चैनल पे। तो गाइज मैं आज आपके लिए नया ब्लॉग लेके आया हूँ, नया वीडियो लेके आया हूँ। वो वीडियो का नाम क्या है उसका टाइटल मैं आपको बताने वाला हूँ। उस चीज़ का नाम है कार्तिक मास। जी हाँ, ये महीना पूरा महीना ये कार्तिक मास से भरा हुआ है। तो गाइज ये बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है और इसी कार्तिक मास महीने के अंदर ये पूरा महीना चलेगा। इसी महीने के अंदर भगवान कृष्ण ने, आप सभी को जानते ही होंगे, भगवान कृष्ण ने क्या क्या लीलाएं की थी और इस पूरे महीने में क्या हुआ था, अगर तुमको नहीं पता तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। एक्चुअली मैं आपको कार्तिक मास की विधि बताने वाला हूँ, कार्तिक मास का इम्पोर्टेंस बताने वाला हूँ। सीखे गाइस कार्तिक मास में क्या हुआ था, मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल बताऊँगा। मैं जो भी पॉइंट्स बताऊँगा आपको ऐसी डायरी में नोट करना होगा, अगर याद नहीं रहेगा तो लिखना, ठीक है गाइस। तो मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या होने वाला है क्या नहीं। उससे पहले आप सभी मेरे साथ दोहराइए राधे राधे। तो फ्रेंड्स आप सभी को बेहद खुशी होगी ये जानकर कि हमारे कृष्णा भगवान ने, हमारे नंदलाल जी ने, हमारे गोकुल के जो गोपाल लाल गोपाल है, उन्होंने इसी महीने में, जी हाँ कार्तिक मास के महीने में ही इन्होंने लीला की थी, बहुत सारी लीलाएं की थी। अभी जो जो लीला मुझे याद है मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। उसमें से पहली लीला आपको बताने वाला हूँ, वो लीला सबको याद है, सबको पता है। उस लीला का नाम है दामोदर लीला। एक्चुअली क्या हुआ कि दामोदर लीला में कृष्णा भगवान को उखल से बांधा हुआ था यशोदा मैया ने। यशोदा मैया ने उखल के द्वारा रस्सी से अपने कृष्णा को बांधा हुआ था। यही थी पहली लीला जो अपने यशोदा मैया के हाथों से बन गए थे। जो सेकेंड लीला है मैं आपको बताने वाला हूँ, ओ गिरिराज धरण हम तेरी शरण। तो गिरिराज धरण आपको मैं बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। कृष्णा भगवान ने इसी महीने में गिरिराज गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पे 7 दिन और 7 रात उठाए रखा था। 7 दिन 7 रात इसी उंगली पे धारण किया हुआ था। तो ये भी लीला इसी महीने में हुई थी। तो गाइस अभी मैं आपको थर्ड पॉइंट बताने वाला हूँ, वो थर्ड पॉइंट क्या है, शरद पूर्णिमा। गाइस वो अति सुंदर, ये शरद पूर्णिमा को जिस जिसने देखा होगा तो गाइस बहुत ही सुंदर नजर आए। तो इस लीला का नाम तो मैं आपको बता दिया हूँ, अगर इसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ मैं आपको बता दूँ। इस शरद पूर्णिमा के दिन कृष्ण भगवान अपने गोपियों के साथ यहाँ पे रास लीला किया करते थे वृंदावन धाम में। तो ये पवित्र लीला भी इसी महीने में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको फोर्थ लीला के बारे में बताने वाला हूँ। फोर्थ लीला का नाम है गोपाल अष्टमी। जी हाँ, गोपाल अष्टमी भी इसी महीने में आती है। तो गोपाल अष्टमी में आपको बताने वाला हूँ, जब हमारे कृष्णा भगवान बाल गोपाल थे, छोटे से गोपाल थे, तो उस टाइम में पहली बार भगवान श्री कृष्णा अपने गैया को चराने ले गए थे। जी हाँ, ये अद्भुत लीला भी इसी महीने में हुई थी। तो अभी गाइस मैं आपको फिफ्थ पॉइंट के बारे में बताने वाला हूँ। तो पांचवी लीला कौन सी गाइस, उसका नाम है बहुलाष्टमी। बहुलाष्टमी में क्या होता है गाइस, ये राधा कुंड और श्याम कुंड का जो प्राकृतिक महाउत्सव इसी महीने में होता है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सिक्स पॉइंट है गाइस, देव उठान एकादशी। जी हाँ, देव उठान एकादशी भी इसी महीने में आता है। चलिए सेवन पॉइंट गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ कि तुलसी जी और शालिग्राम जी की जो विवाह है वो भी इसी पवित्र महीने में कार्तिक मास में ही आता है। जी हाँ गाइस। फ्रेंड्स अभी हम बात करते हैं आठवें पॉइंट की। तो आठवें पॉइंट में गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ नरका चतुर्दशी। नरका चतुर्दशी का मतलब भगवान ने इसी महीने में, इसी कार्तिक मास के महीने में नरकासुर का वध किया था। जी हाँ, नरकासुर एक असुर था जिनका भगवान कृष्ण ने अपने हाथों से वध किया था, इसी महीने में आता है ये भी, ठीक है गाइस। तो फ्रेंड्स अभी है नाइन पॉइंट की। और नाइन पॉइंट की बात करूँ तो वह है धनतेरस। जी हाँ गाइस, धनतेरस में भी भगवान ने लीला की थी। क्या हुआ था, एक दिन भगवान धन्वंतरी के रूप में आकर प्रकट हुए और सभी को औषधि प्रदान की। जी हाँ गाइस। हाँ गाइस अभी बाकी है दसवें पॉइंट की। हाँ गाइस, दसवें पॉइंट का सबसे बड़ा पॉइंट है वो है, मैं आपको बताना वालों, इस महीने का सबसे बड़ा त्यौहार, सबसे बड़ा महोत्सव वो है दीपावली के दिन। जी हाँ, दीपावली का दिन आता है इस महीने में।
तो दीपावली के दिन क्या हुआ था, जब भगवान प्रभु श्री राम ने रावण का वध करकर पुनः 14 साल बाद अपने अयोध्या में लौट गए थे इसी महीने में। लास्ट एंड आखिरी 11 पॉइंट में आपको बताने वाला हूँ वो कौन सा पॉइंट है। जी हाँ, सत्य भामा जी की कहानी। सत्य भामा जी कौन थे? वो है कृष्णा भगवान के पत्नी, आप सभी लोग जानते होंगे। तो कृष्णा भगवान जी से सत्य भामा जी कुछ इस तरह से सवाल पूछते हैं कि हे प्रभु, हे जनार्दन, हे कृष्णा भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि आप मुझे इस जन्म में पति के रूप में मिले? तो कृष्णा भगवान भी बड़े सरलता से, बड़े अच्छे से जवाब देते हैं, ये सत्य भामा जी, आपने उन्हें विश्वास से, पूरी दृढ़ता से अपने इस व्रत का पालन किया था। जी हाँ, कार्तिक मास के व्रत का पालन आपने बड़े अच्छे से किया था, तो उसी का ये फल आपको मैं दे रहा हूँ, तो इस जन्म में मैं आपका पति के रूप में मिल रहा हूँ। तो देखो गाइस, कितना इम्पोर्टेंट है ये लाइन, ये वर्ड और ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कार्तिक मास के महीने में जो भी अच्छे से, दिल से, दृढ़ता पूर्वक व्रत रखेगा, उनको जो भी चाहिए मिल जाएगा। जब कृष्णा भगवान ने सत्य भामा जी को ऐसे व्रत से अपने पति के रूप में उनको दर्शाते हैं, तो सोचो गाइस, ये कितना इम्पोर्टेंस है इस व्रत का। तो गाइस, पूरा महीना कार्तिक मास का ही है, आपको जो चाहिए कृष्णा भगवान जी से मांग सकते हैं, आपको जो भी मिले सब कुछ मिलेगा, इसका फल भी अच्छा है। ठीक है गाइस, तो अभी लाइव स्टूडियो जा कर रहे हो, लाइव पॉइंट बोला है मैंने, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जाओ, कहीं नहीं जाना गाइस। अभी तो आपको मैं दूसरा पॉइंट बताने वाला हूँ, दीपदान कैसे करते हैं। दीपदान भी बहुत जरूरी है, बहुत लोगों को दीपदान करना नहीं आता गाइस, तो रुको जरा, बैठिए, कहीं मत जाइए। तो गाइस, दीपदान का विधि भी आपको बाकी है, दीपदान कैसे करते हैं कैसे नहीं मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है गाइस, तो जरूर ध्यान रखना। तो उसके पहले, दीपदान करने से पहले आपको मेरे साथ बोलना होगा राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए आइए, मैं आपको सिखाता हूँ दीपदान कैसे करते हैं। ठीक है गाइस, तो फ्रेंड्स, मैं आपको भी बताऊंगा कि दामोदर मास ने हम जो दीपदान करते हैं उसकी विधि वो कैसे किया जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है गाइस, अगर किसी को नहीं पता है, लोग नॉर्मली भी आप दीपदान कर देते हैं, लेकिन हमें वैसा नहीं करना है, अब उसकी विधि आपको बता दूंगा पॉइंट टू पॉइंट कैसे करते हैं। ठीक है गाइस, चलिए मैं आपको फ्रेंड्स, अभी हम आपको दिया का, दीपदान का भी विधि बताएंगे कैसे किया जाता है। देखिए गाइस, पहले हम तो भगवान के श्री चरणों से शुरू करते हैं। श्री चरणों में हमें करना होता है 4 बार दिया दिखाना होता है, फिर वहां से हमें थोड़ा ऊपर आने का है, ऊपर आने का जो भगवान की नाभि होती है वहां पे हमें 2 बार करना होता है। यहाँ से थोड़ा ऊपर आके भगवान के श्री मुख पर, सुंदर मुख पे हमें 3 बार करना होता है, फिर बाद में हमें भगवान का एक सुंदर शरीर है, पूरा इनका पूरे शरीर में 7 बार दिया दिखाना होता है। ठीक है गाइस, हमने ये दीपदान कर दिया, भगवान को दीपदान करके हमें हाथ जोड़कर हमें बोलना है, हे प्रभु, हे कृष्णा भगवान, हे जनार्दन, मैं ये दीप आपको अर्पित कर रहा हूँ। दान नहीं बोलना, दीप दान नहीं बोलना, ये दीप मैं आपको अर्पित करता हूँ, तो भगवान प्लीज हमारे दीप को स्वीकार कर लीजिएगा। ये विधि आपको पता चल गई है, तो फिर आपको पता है तो अभी काम कर लीजिए अपने अपने घर पर। ठीक है गाइस, याद रहेगा ना आपको गाइस, भगवान के श्री चरणों में 4 बार, फिर नाभि पे 2 बार, फिर मुख मंडल पर 3 बार, फिर पूरे शरीर पर 7 बार, इसी तरह हमें दीपदान करना चाहिए। ठीक है, ये विधि है। ठीक है फ्रेंड, एक और पॉइंट था जो मैंने आपको नहीं बताया। देखिए, कार्तिक मास का जो महीना है, ये पूरा महीना चल, ठीक है, पूरे महीना चलने वाला है, वो पूरे महीने में आपको 30 दिए लगेंगे, 30 दिए लगेंगे आपको अलग अलग। ठीक है गाइस, जो यूज होंगे वो यूज हो चुका है, मुस्लिम बॉक्स को यूज नहीं करना चाहिए। जब अंदर के दीप होंगे तो आप चेंज कर लो, लेकिन मिजाज चेंज नहीं करते गाइस, ऐसी गलती नहीं करता है, हमें दिया नहीं चेंज करना है। ठीक है गाइस, ये दिया मैंने भी, इसके बाद जो भी है मैं आपको सारी चीज़ें बता दी है। तो गाइस,
चीजें ये मैंने आपको वो नॉलेज आपको दी है, चैनल पर फॉलो कीजिए गाइस, ठीक है गाइस। जो एक इंसान है मैंने आपको बता दिया है उसके बारे में, डेवलपिंग माइंड में जो चलता है, ठीक है गाइस। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपको दिया दीदार करना है, कैसी विधि है, और आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी है ऑलमोस्ट के पूरे महीने में कृष्ण भगवान ने कैसी लीला की थी, कौन सी लीला की थी, ठीक है गाइस। जहाँ तक मुझे पता है मैंने आपको इन्फॉर्मेशन पूरी दे दी है। तो प्लीज़ गाइस आपको मैंने दिया दीदार की विधि भी बता दी है, तो आप भी अपने घर पर इसी तरह ही करना गाइस, ठीक है गाइस, कोई गलती नहीं करना इसमें, ठीक है गाइस। अगर कोई सच्चे दिल से व्रत करता है इस कार्तिक मास के महीने में, तो सच में उसको बहुत कुछ मतलब फ़ायदा होगा, उसको मिलेगा, जो भी व्रत रखेगा उसको अच्छे से फल भी मिलेगा भगवान की तरफ से। ओके गाइस, तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में लेकर आऊँगा, कौन सा ब्लॉग है मैं आपको बता दूँगा। तो गाइस मेरे वीडियो को लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, और शेयर जरूर करना, ठीक है गाइस। तो मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, हरे कृष्णा राधे राधे।